हाँ जी सारा सत श्री अकाल जी। अज आप पहुंचे हैं मोगे डॉग शो के जिथे कि एक डायरैक्ट इंपोर्ट ब्लू कलर का फ्रेंच बुलडॉग मेल देखने को मिले। तो थोड़ी कराने बाई ना गल भी कितों इंपोर्ट है किन्नी फीस है जी सारी गलबात कर। सत श्रीकाल भाई जी। सत श्रीकाल भी जी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੌਗ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਰੈਂਬੋ। ਰੈਂਬੋ ਰੈਂਬੋ ਆਪਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਡੌਗ ਹੈ ਜੀ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੁਲ ਡੌਗ ਦੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਬੋ ਇਧਰ ਰੈਂਬੋ ਆਓ ਸਣੇ। ਇਹ ਬਰੀਡ ਜੀ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? अपने कोल होर भी डॉग हैगे जी? कल्ला फ्रेंच बुलडॉग दा ही काम करदे जी। अच्छा जी, मतलब इस तों अलावा होर भी हैगे कुत्ते अपने कोल? इस तों अलावा होर भी है, एक ब्लू फीमेल है मेरे कोले। अच्छा जी, वो भी इंपोर्ट है जी? हां जी। वो कितों इंपोर्ट है जी? वो चाइना तों ही हो आई है। अच्छा जी, काफी ट्रेंड है ब्लू दा ते बाकी रेट च भी लाख प्लस बचा जांदा है ब्लू कलर दा। ठीक है ठीक है ठीक है जी। अपने को मतलब ब्लू जोड़ा एक? हां जी ब्लू जोड़ा है, बाकी और जण दी होर कलर हैगे मेरे कोल जिवें ब्लैक। ठीक है ठीक है ठीक है। ब्लैक हो गया, डाइट प्लान की है? डाइट इनू की चाहिए? डाइट भी जी पहला तो बाहर ही उन्होंने दसा नहीं सानू। अच्छा, डाइट चलती है ठीक है। इतने हम आप कैनन क्रीक देन लगे हैं। ठीक है जी। बाकी थोड़ा वेट जरूर घटिया, मतलब जो कोई बंदा बच्चा परचेज करता नवा बंदा रखने लगता कोई बच्चा तो उन्होंने मतलब की डाइट देनी छोटे बच्चे? किस तरह भी छोटे बच्चे की डाइट देनी चाहिए? फ्रांच का बच्चा मन को सेल परचेज करता बंदा तो उन्हें बच्चा पालना किस तरीके ना पाले की देवे शुरू तो बच्चे स्टार्टिंग दे विच तां जी सरीलक दही वगैरह दे के जण दी बच्चे नु महीना डेढ़ महीने दा करया जांदा। पहला तां मां दे दुध ही रहिंदा बच्चा महीना। ठीक है जी। ओ तों बाद 15 20 दिन सरीलक दही ते जेड़ी वैक्सीन हुंदी है जो किन्ने दिन करानी चाहीदी है? इनफेक्शन 45 दिन ते भी जी वैक्सीन करानी चाहीदी है, इहनां दी जरूरी है। ठीक है जी। ठीक है ना। ते तीन वैक्सीनां हुंदियां इहनां दी? हां जी वैक्सीनां तीन हुंदियां जी। तीन वैक्सीन हुंदी है जी, पहली 21 दिन बाद जी। पहली 21 दिन बाद हुंदी है, पहली 45 दिन ते करवाउने आ जी असीं। ते जेड़ी डीवॉर्मिंग हुंदी है जी ओ? डीवॉर्मिंग भी असीं 2 महीने दे करीब का कर दिंदे आ पहली वार। अच्छा पहली बार। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਤਾਂ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਡੌਂਟਰ ਪਲੱਸ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਲਿਕਵਿਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਲਿਕਵਿਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ 1 ਕਿਲੋ weight ਮਗਰ 1 ਐਮਐਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਿਕਵਿਡ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਕਵਿਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ? ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਮਗਰ 1 ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੂਰਾ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ 1 ਨੰਬਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਨਨ ਕ੍ਰੀਕ ਫੀਡ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ठीक है सर। ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू जी। थैंक यू।